झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। विधानसभा चुनाव के लिए आज पीएम मोदी झारखंड के खूंटी और जमशेदपुर में चुनावी रैली कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, राम जन्मभूमि को लेकर कांग्रेस ने लटकाए रखा, अब शांतिपूर्ण ढंग से हल हुआ। झारखंड में दूसरे चरण के लिए 7 दिसंबर को 20 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी शामिल नहीं हुए। बैठक में अमित शाह सहित सभी मंत्री और सांसदों ने भाग लिया। बैठक में राजनाथ सिंह ने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए निर्देश भी दिए और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल न करने की हिदायत भी दी। एनआरसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई लोगों से मुलाकात करेंगे। एनआरसी को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में हो रहे विरोध को खत्म करने को लेकर बैठक करेंगे। गृह मंत्री संसद समेत कई जगहों पर कह चुके हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगा। वहीं आज राज्यसभा में आएगा एसपीजी संशोधन बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे। केंद्र सरकार ने एसपीजी बिल में बदलाव किया है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। आयकर विभाग की तरफ से देश की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नोटिस जारी कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी का ये नोटिस राजनीतिक चंदे को लेकर भेजा गया। 2 दिसंबर को भेजे गए इस नोटिस में हैदराबाद की एक कंपनी द्वारा भेजे गए पैसों का हिसाब न देने का कारण दिया गया है। सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को तलब किया है। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर बैठक होगी, जिसमें महाराष्ट्र में मंत्रालय के बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में शामिल होने के लिए बालासाहेब थोराज नाना पटोल बैठक के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के शासनकाल के दौरे में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए वो कांग्रेस नेताओं से संपर्क करती थी और खुद से कुछ कहने की जगह कांग्रेसी नेताओं का सहारा लेती थी। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद संजय रावत बीजेपी नेताओं की चुटकी ले रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय रावत का फिर शायराना अंदाज सामने आया है। संजय रावत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके लिखा कि हवा को गुमान था अपनी आजादी पर, किसी ने उसे भी गुब्बारे में भर के बेच दिया। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते खतरनाक प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। प्रदूषण को लेकर पिछले हफ्ते कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी और दिल्ली में एयर प्यूरिफायर टावर लगाने पर योजना बनाने के लिए भी कहा गया था। हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। सड़क से लेकर संसद तक आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग उठा रही है। हेमा मालिनी ने कहा है कि दोषियों को जनता के हवाले कर देना चाहिए। हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर मामले में श्रान नगर कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट से आरोपियों की 10 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी थी। वहीं हैदराबाद कांड पर मचे कोहराम के बीच तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव दिल्ली पहुंच गए हैं। हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर को लेकर देशभर में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। देश के अलग अलग शहरों में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल भी दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठ गई है। अनशन पर बैठने से पहले स्वाति मालीवाल राजघाट पहुंची और बापू को याद किया। स्वाति मालीवाल ने महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर पीएम को चिट्ठी भी लिखी है। बहराइच में पशुपालन विभाग ने हैदराबाद में हुए गैंगरेप पर हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला, जिसमें बहराइच जिले के पशुपालन विभाग के डॉक्टर और कर्मचारियों ने भाग लिया। पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने ये कैंडल मार्च विकास भवन से होते हुए शहीद स्थल तक गुनाहगारों को फांसी दो के नारे लगाते हुए शहीद स्थल पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। जमीयत उलेमा हिंद ने अयोध्या केस से वकील राजीव धवन को हटा दिया है। हटाए जाने पर वकील राजीव धवन का फेसबुक पर दर्द झलका है। उन्होंने एफबी पोस्ट में लिखा कि मुझे ये बताया गया कि मुझे केस से हटा दिया गया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बिल्कुल बकवास बात है। जमीयत को ये हक है कि वो मुझे केस से हटा सकते हैं।
लेकिन जो वजह दी गई है वो गलत है। अयोध्या केस पर जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की है। नोएडा प्राधिकरण टेंडर घोटाले के आरोपी मुख्य अभियंता यादव सिंह 3.5 साल बाद डासना जेल से रिहा हो गए। यादव सिंह को बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने 5-5 लाख रुपए के मुचलके के बाद यादव सिंह को रिहा कर दिया। लखनऊ के लोकभवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। यूपी के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना का बयान सामने आया है। बैठक में औद्योगिक विकास के 5 प्रस्ताव पर लगी है मोहर। यूपी में 1.5 करोड़ की बजट में 40 मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। पहले चरण में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। मॉडल स्कूलों की बिल्डिंग की डिजाइन बेहतरीन होगी और स्मार्ट क्लासरूम के साथ इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई भी होगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के ऐतिहासिक क्षणों के लिए गीतास्थली कुरुक्षेत्र को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। ब्रह्म सरोवर और आसपास के क्षेत्रों की साज सज्जा करने में प्रशासन की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुरुषोत्तमपुरा बाग में पवित्र ग्रंथ गीता के पूजन और गीता यज्ञ में आहुति डालकर किया। गाजियाबाद में दर्दनाक वारदात सामने आई है। इंद्रापुरम के कृष्णा अपार्टमेंट में 4 लोगों की मौत हो गई। सुसाइड से पहले पिता ने सो रहे 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या की, फिर अपनी 2 पत्नियों के साथ बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। एक पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें आर्थिक तंगी की बात लिखी गई है। यूपी के बाराबंकी में पुलिस की तत्परता और साहस ने एक बड़ी घटना होने से बचा लिया। एक बैंक में चोरी करने के इरादे से घुसे चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक चोर के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने चोर को गिरफ्त में ले लिया है। चोर के 2 साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस की इस तत्परता से जिले में एक बैंक की चोरी की बड़ी वारदात होने से बच गई। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली क्षेत्र के जयप्रकाश नगर से एक दबंग की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल दबंग ने पहले लड़के के साथ बदसलूकी की, फिर जबरन उसे कार में ले गया, फिर बुरी तरह कार में गिराकर उसकी पिटाई भी की है और गालियां भी दी। अब इस दबंग की दबंगई का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसएसपी लखनऊ के निर्देश पर सीओ हजरतगंज की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जयप्रकाश नगर से बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शुभम युवक का अपहरण करके कार में बेरहमी से पीट रहा था और गालियां भी दे रहा था। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई है और आरोपी को सलाखों के पीछे डाल दिया है। यूपी के महाराजगंज जिले के निचलौल नगर में एक युवक को बाइक से खींचकर 4 युवकों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। पीटे हुए युवक को राहगीरों ने जैसे तैसे बचाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ लिया, जबकि 2 अन्य भाग निकले। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सांडों का आतंक मचा हुआ है। चंदौली जिले के दीनदयाल नगर में एक बिल्डिंग की छत पर सांड कूद गया, जिसके बाद हलचल मच गई। तुरंत घर वालों ने नगर पालिका को इसकी सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन वाले उस सांड को छत से उतारने के लिए आए और करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद सांड छत के नीचे आया। मंदसौर में नाबालिग लड़की से रैप के मामले में सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की का परिचित है, जो लड़की को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता को धमकाया कि वो किसी को इस बारे में ना बताए, लेकिन पीड़िता ने अपने परिजनों को अपने साथ हुई जाति के बारे में बता दिया। जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पुलिस आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मनरेगा बैठक में
वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। वाईएसआर कार्यकर्ताओं द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर टीडीपी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और विवाद बढ़ गया। नोकझोंक देखते देखते हाथापाई भी बदल गई और एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला भी होने लगे। झड़प में दोनों पार्टियों के 10 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश ने मचाया है कोहराम। बीते 4 दिनों में अलग अलग जगहों में 25 लोगों की मौत हो गई है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सीएम ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री के पलनीस्वामी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतक के परिवार को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। वित्त मंत्री सीतारमण ने स्वीडन के निवेशकों को भारत में खासकर बुनियादी ढांचा विकास की परियोजनाओं में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। वित्त मंत्री ने कहा, मैं तो केवल आपको आमंत्रित ही कर सकती हूं और आश्वासन दे सकती हूं कि भारत आगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में और भी सुधार करने को प्रतिबद्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माने जाने वाले इंडियन रेलवे की सेहत को लेकर एक ताजा रिपोर्ट कार्ड सामने आई है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे बीते 1 दशक में अपने अब तक की सबसे कम कमाई के स्तर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की जहां कमाई घटी है तो वहीं परिचालन अनुपात 98% तक पहुंच गया है। निरंतर महालेखा परीक्षक ने इस बात पर चिंता जताई है। प्रीपेड यूजर्स की जेबों पर अतिरिक्त बोझ की मार पड़ी हुई है। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की टेलीकॉम सेवाएं आज से महंगी हुई है। 40-50% तक दरें बढ़ाई गई हैं। नए प्लान देश भर में आज से उपलब्ध हो गए हैं। कंपनी ने प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए 2 दिन, 28 दिन, 84 दिन और 365 दिन की वैधता वाले नए प्लान की घोषणा कर दी है। वहीं आकलन के हिसाब से नए प्लान पहले की तुलना में 41.2% तक महंगे हो गए हैं। एचडीएफसी बैंक के ग्राहक आज भी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सोमवार से ही नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप एक्सेस नहीं कर पाने की वजह से ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महीने की शुरुआत की वजह से लोग बिल पेमेंट और अन्य लेनदेन रुक जाने से काफी ज्यादा परेशान है। शेयर बाजार में गिरावट बढ़ गई है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 223 अंक गिरकर 40.4545 पर आ गया है। वहीं निफ्टी में 79 पॉइंट का नुकसान देखा गया। सेंसेक्स के 30 में से 15 और निफ्टी के 50 में से 32 शेयरों में गिरावट दर्ज कराई गई। टाटा स्टील का शेयर 2% लुढ़क गया है। वहीं वेदांता में 1.5% नुकसान देखा गया। पावर ग्रिड, ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और इंडियन बैंक 0.4% से 0.9 तक नीचे आ गया है। क्रिजिल रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि पर अनुमान को घटाकर 5.1% कर दिया। इसके लिए निजी उपभोग में कमजोर वृद्धि कर संग्रह को कमजोर वृद्धि और औद्योगिक उत्पादन के अलावा अन्य कारक को जिम्मेदार बताया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। नासा ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उसका लूनर रिकनेसिस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को ढूंढ लिया है। नासा के दावे के मुताबिक चंद्रयान 2 ने विक्रम लैंडर का मलबा उसके क्रैश साइट से 750 मीटर दूर मिला। नासा ने विक्रम लैंडर के इंपैक्ट साइट की तस्वीरें जारी कर बताया कि उसके ऑर्बिटर को विक्रम लैंडर के 3 टुकड़े मिले हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को दुबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परवेज मुशर्रफ दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं और पिछले 3-4 साल से दुबई में ही रुके हुए हैं। इसके साथ ही परवेज मुशर्रफ को ब्लड प्रेशर से जुड़ी भी दिक्कतें आई हैं। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने चीन के एक जहाज को भारतीय जल क्षेत्र से खदेड़ दिया। शक है कि चीन का यह जहाज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के पास भारतीय हितों के खिलाफ जासूसी गतिविधियों में संलिप्त था। चीनी जहाज श्रीयान 1 को पोर्ट ब्लेयर के पास संदिग्ध गतिविधियां करते नोटिस किया गया था।
दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अमेरिका द्वारा कानून बनाए जाने के विरोध में चीन ने जवाबी कार्रवाई की है। चीन ने अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अमेरिका द्वारा कानून बनाए जाने के विरोध में चीन ने जवाबी कार्रवाई की है। चीन ने अमेरिका सेना और गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कजर बाजवा के कार्यकाल बढ़ाने पर लगी रोक और खुद बाजवा के लिए बहुत असहज कराने वाली स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाक आर्मी चीफ के कार्यकाल विस्तार में रोक लगाने के पीछे 7 वरिष्ठ आर्मी अधिकारी हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के कार्यकाल की समाप्ति और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके सेवा विस्तार पर रोक से पहले पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर बदलाव किया था और माना जा रहा है कि इन सब के पीछे सोची समझी रणनीति थी और याचिकाकर्ता को भी सेना ने पूरा समर्थन दिया है। लंदन ब्रिज हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी उस्मान खान के एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके हाथ ही घटनास्थल को पुलिस की भारी मौजूदगी में यातायात और पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। दरअसल शुक्रवार को लंदन ब्रिज पर चाकू घोप कर 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISI ने ले ली है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टॉक IPL के अगले सीजन से ही बाहर रहेंगे। IPL 2020 के लिए कोलकाता में 19 दिसंबर को बोली लगेगी। स्टॉक ने आखिरी बार IPL में 2015 में बेंगलुरु के लिए खेला था और 2018 की IPL नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.4 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन चोट की वजह से पूरे टूर्नामेंट से वो बाहर रहे थे। नेपाल की महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंजलि चंद ने बिना कोई रन दिए 6 विकेट लेकर T20 इंटरनेशनल में इतिहास रच दिया है। उन्होंने काठमांडू में चल रहे साउथ एशियन गेम्स में मालदीव के खिलाफ करिश्माई प्रदर्शन किया। अंजलि T20 में महिला पुरुष दोनों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली गेंदबाज बन गई है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को पारी और 48 रनों से हरा दिया। इसके बाद उन्होंने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2 सोने से पाकिस्तान का सफाया भी किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 3 विकेट पर 569 रन बनाकर घोषित कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले हर मुकाबले रोमांचक होते हैं। आज भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर से मैदान पर आमने सामने होंगी। दोनों देशों के बीच ये मुकाबला वॉलीबॉल का होगा। 13वें एशियन गेम्स फाइनल में दोनों टीमें खिताब जीतने के लिए एक दूसरे के सामने होंगी। Under-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। ये विश्व कप 17 जनवरी से 9 फरवरी तक दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा लेगी, जिसके 4 ग्रुप होंगे। भारतीय टीम की कप्तानी प्रियम गर्ग करेंगे। ऋतिक की एक्शन के कारण BCCI अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली भी हो गए हैं। सौरभ गांगुली ने एक टॉक शो के दौरान ऋतिक रोशन की एक्टिंग की तारीफ की है और उन्होंने अपनी बायोपिक के लिए भी ऋतिक के नाम पर जोर दिया है। टीवी की दुनिया में मशहूर कॉमेडी एक्ट्रेस भारती सिंह की आज दूसरी मैरिज एनिवर्सरी है। भारती और उनके पति हर्ष लिबाचियाना शादी के 2 साल पूरे करने जा रहे हैं। भारती ने मैरिज एनिवर्सरी पर शादी की शानदार तस्वीरें शेयर कर पुरानी यादों को ताजा किया, जिसमें वो मेहंदी के हसीन पलों को एंजॉय करती नजर आ रही है। बिग बॉस 11 की विजेता शिल्पा शिंदे के बाद अब बिग बॉस 13 के असीम रियाज सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहे हैं। इसी के साथ असीम ने शिल्पा के सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। असीम के हैशटैग अनस्टॉपेबल असीम ने ट्विटर पर 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट क्रॉस कर लिया है। इससे पहले शिल्पा शिंदे ने हैशटैग शिल्पा शिंदे को सोशल मीडिया पर खूब रिस्पॉन्स मिला था।
शाहरुख खान एक बड़े बजट में बन रही कॉमिक एक्शन थ्रिलर फिल्म्स में नजर आएंगे। शाहरुख खान ने एक स्टाइलिश एक्शन फिल्म साइन की है जिसकी शूटिंग साल 2020 में की जाएगी। अभी तक शाहरुख ने इस तरह की फिल्में नहीं की है। फिल्म की शूटिंग शाहरुख खान के ही प्रोडक्शन हाउस के तहत की जाएगी और इसकी शूटिंग भारत और भारत के बाहर भी की जाएगी। सलमान खान की फिल्म राधे में जैकलिन फर्नांडिस एक जबरदस्त आइटम नंबर करती नजर आएंगी। जैकलिन इस फिल्म का हिस्सा बनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है और वो राधे के लिए ये गाना शूट करेंगी। सलमान की फिल्म राधे 2020 की ईद पर रिलीज की जाएगी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर गाना गाकर इंटरनेट सेंसेशन बनी रानू मंडल लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अब रानू का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गाने के बोल भूल गई है। रानू का ये वीडियो जबरदस्त ट्रेंड में है जिसमें वो हिमेश रेशमिया के साथ गाना गाते हुए अपना ही पॉपुलर सॉन्ग तेरी मेरी कहानी के बोल ही भूल जाती है। ये वही गाना है जिसमें रानू की किस्मत बदली थी और उसके करियर को सवार भी दिया था। रानू वीडियो में खुद इस बात को कबूल रही है कि वो लिरिक्स भूल गई है।